ये देखिए गाइस, देख सकते हैं हम कितनी पब्लिक खड़ी है यहाँ पे। देखो मोर एंड मोर हैवी बाइकर्स, यू नो हैवी बाइकर्स। और हम दिखाएंगे अभी आपको लैंडस्लाइड होती हुई वहाँ पे, ट्रैफिक क्लियर होता हुआ। देखो ये होटल थोड़ी देर में देखो अभी भर जाएगा पूरा का पूरा ऊपर से नीचे, काफ़ी सारे हैवी बाइकर्स देख रहे हो ना, पूरे के पूरे अच्छे से देख रहे हो, बाइकर्स ही बाइकर्स हैं सारे यार। कितने सारे बाइकर्स बेचारे फंसे हुए हैं सारे के सारे। और अच्छा वहाँ भी होटल है, मतलब ये इतनी सी दूर में एक लैंडस्लाइड हो रही है इसलिए, नहीं तो आगे भी हमारे को लैंडस्लाइड तो एक आगे भी मिली थी यार, है ना। एक तो आगे भी मिली थी हमारे को, एक ये है एक आगे भी मिली थी यार हमारे को। जा तो रही है लेकिन हमारे को तो काफ़ी आगे मिली थी यार। ओह हाँ गाइस देखो ये गाड़ी, देखो ये देखो यार, ओ भाई यार UP 32, ओ भाई फॉर्चूनर है यार, एक तो पूरी फॉर्चूनर ख़त्म हो गई, फॉर्चूनर है यार उधर तो, वो जिला अध्यक्ष द्वारका इटावा। ओ भाई यार ये देख रहे हो, ओ यार गाइस कभी भी आ सकता देखो ऊपर से नीचे, और पूरी फॉर्चूनर दबके ख़त्म हो गई है। देखो VRV का हाल देख लो एक बार, सो गाइस देख सकते हैं आपकी यार कितनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। और देखो ये नदी मंदाकिनी रिवर, और वहाँ सामने जो वो नीली बिल्डिंग दिख रही है उस नीली बिल्डिंग के पास भी पूरा का पूरा देखो मलबा, देखो लैंडस्लाइड वाला पूरा सारा का सारा नीचे आ चुका है एकदम अच्छा खासा। अभी तो यहीं तो फिलहाल तो अभी यही स्टेटस है फॉर्चुनर। पूरी जिला अध्यक्ष देखो आगे से देखो इसका शीशा टूट चुका है, और जिला अध्यक्ष UP AS 6000, और ये पूरी होंडा VRV एकदम ख़त्म हो चुकी है, पूरा पत्थर ही नीचे आ गए हैं दो तीन। तो चलो अब हम आगे नहीं जा रहे, यहीं रुकते हैं भैया, वीडियो बाद में बना लियो, आगे चले जाओ। हमसे तो जो मिला था वो उससे भी आगे था ना, मेरी तो नहीं और आगे था बहुत आगे, हम चले वो फाटा के आगे गए थे हम, फाटा से आगे निकल गए, और फाटा के आगे निकल गए थे हम लोग, 5 किलोमीटर तक गए थे हम कम से कम। हाँ बहुत मॉडल ₹5,000 एक गद्दा के जगह लू, चलो खा जाओ घंटे धरने लोग। वैष्णो देवी में तो अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा। वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर का किराया देख लो, यहाँ का हेलीकॉप्टर का किराया देख लो, अच्छा आ रही है 1100 रुपये वैष्णो देवी में। कितने किलोमीटर चढ़ाइए वहाँ? 12 किलोमीटर भैरवनाथ तक। हाँ भैरव नहीं भवन तक 12 किलोमीटर है, वहाँ से 3 किलोमीटर की भैरव की है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखो फॉर्चुनर का हाल दिखाता हूँ जरा मैं आपको, एक मिनट आगे से फटाक से। वो देखो शीशा पूरा चटक चुका है फॉर्चुनर का, पहाड़ एकदम बिल्कुल ऊपर से आया है वो, देखो पूरा का पूरा देख रहे हो। ये देखो यहाँ से कहीं भी किसी भी टाइम आ सकता है, तो मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ इस जगह खड़ा होना, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। देख सकते हैं देखो पूरी फॉर्चुनर देखो आगे से पूरी खत्म हो चुकी है, पूरी डेड हो चुकी है, और यहाँ से कभी भी किसी भी टाइम भी कहीं से भी पत्थर आ सकते हैं। तो मैं चल रहा हूँ जरा आगे वापसी, मेरे को ज़्यादा सेफ रहना ठीक है ना। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो यहाँ JCB आ चुकी है, और देखो यहाँ से देखो भगाया जा रहा पुलिस वाले सबको लट मार के, देखो यहाँ से तो गाइस देखो ये रहा JCB आ चुकी है, अभी देखना पत्थर कैसे क्लियर करेगी वो फटाक से एक पूरा का पूरा। और ये HR 26 नंबर बीच में घुसाती हुई, और एक क्रेन हो चुकी है देखो अभी देखो। तो नाउ गाइस देख सकते हैं आप, ये देखो यहाँ पे आप देखो ये JCB का काम चालू हो चुका है, देखो गाड़ी कैसे हटेगी, देखो गाड़ी को नीचे से बांधा गया है और पट्टे से, और देखना गाड़ी कैसे हटेगी अब देखना यहाँ से भी। ये देखो गाड़ी को खिसकाया जाएगा नीचे से करके, ये आया और ये देखो ये आया पट्टा, और ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो अटका दिया गया है उसमें पट्टा आराम से, उसके चोंच में डबल करके बस 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 अटक गई अटक गई अटक गई अटक गई अटक गई अटक गई है। और ये देखो ये गाड़ी खिसकी, ये गाड़ी खिसकी, ये गाड़ी खिसकी, ओए 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 देखो गाइस देखो देखो गाइस देखो गाड़ी कैसे खिसक रही है, देखो 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 पब्लिक इतनी होती जा रही है बहन, चूँकि बंदा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देखो ये देखो ये देखो गाड़ी गियर में है इसलिए अपना खिसक नहीं पा रही, लेकिन खिसक गई है गाड़ी फाइनली, वन गाड़ी निकल गई है। अब इसे गियर में से निकलवा के पानी भर गया गाड़ी के अंदर,
बाहर है गाइस, थोड़ा थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ से हट गया, ये गाड़ी भी हट गई यहाँ से। अब हम सोच रहे हैं कि हम निकल लें, क्योंकि अभी 3 बजे हैं तो हम 4-5 घंटे में श्रीनगर पहुँच जाएंगे अगर हम चलते हैं। लेकिन अब यही है कि अब आगे ट्रैफिक ना मिले हमारे को पैक दोबारा से। लेकिन ये ट्रैफिक मूविंग ट्रैफिक है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी भी ट्रैफिक पूरा लगा हुआ है ना। पता चले होटल से बात तो कर लें, आगे जाके फिर ना फंस जाएँ क्योंकि ट्रैफिक पूरा ही पैक है अभी भी। लेकिन हल्की हल्की गाड़ियाँ धीरे धीरे करके निकल रही हैं, तो अब जो होगा देखा जाएगा। बाइकर्स भी जा रहे हैं अपना, काफ़ी कावाजाकी निंजा 650 है ये, तो देखते हैं अब क्या होता है हमारे साथ और क्या नहीं होता, क्योंकि ट्रैफिक तो पूरा एकदम पैक हो गया फिर से। अब थोड़ी थोड़ा वहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से दूर से खड़े होकर तो वहाँ मूविंग ट्रैफिक है। बाकी चलते हैं अब, गाड़ी का हमने बोल दिया, देखो होटल वाला हमारे 1500 रुपये वापसी करता है या नहीं करता, क्या लगता है देखते हैं अब। और जो चाबी आपके पास थी, हो सकता अगर आपके पास ना होती तो रूम मेरा कोई किसी और के पास बुक होता, मैं उसको क्या बोलूँ, जाम है क्या? हाँ, रुक रुक के चल रही है ना गाड़ियाँ, चल रही हैं। सही सोच, यहाँ पे इस पत्थर के पास एक वो खड़ी थी गाड़ी, अभी दिखाऊंगा तेरे को आगे, पूरे पत्थर के नीचे दबी थी दो गाड़ियाँ। तो शायद गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, होटल वाले ने हमारे को जो है 500 रुपये दिए, बस 1000 रुपये रख लिए, मतलब फ्री फंड के देख लो 4 घंटे के, इतने को हमने 1000 रुपये का खा लेते हैं अगर हम रूम नहीं लिए होते। लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि अपना रुक जाता है, चलो कोई नहीं यार। लेकिन सामने का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, और मौसम जो है वो खुल गया, ऊपर पूरा नीला आसमान हो चुका है और धूप भी कई कई जगह आ चुकी है, और यार बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब व्यू देख रहे हो यार, अल्टीमेट यार। आओ गाइस, ये रही वो दो गाड़ियाँ जो वहाँ से करी थी रिकॉर्डिंग, लैंडस्लाइड भी देख रहे हो कितनी ज़्यादा, मतलब टूटी फूटी गाड़ियाँ यार। ये नहीं जाएगी, इसका मरघाट अटकेगा टायर में, और ये देखो इस साइड से पूरी गंदी हो गई। ये फॉर्चुनर देख लो क्या हाल चुका है फॉर्चुनर का, ये देखो भाई साहब ज़बरदस्त, मतलब देख रहे हो यार, मतलब ज़बरदस्त हाल हो चुका है फॉर्चुनर का। और यहाँ पे हम मज़े ले रहे हैं मिंटाने के साथ, मज़ा कर रहे हैं आराम से, पहाड़ों की वादियों का मज़ा ले रहे हैं यार, चिल मार के आराम से, नीला आसमान दिख रहा है, क्या पता चल रहा है कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हो व्यू यार, मतलब गाइस ये देखो मौसम पूरा एकदम क्लियर हो चुका है, और देखो सामने ग्लेशियर पे बर्फ़ पड़ चुकी है पूरी अच्छी खासी, देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त बर्फबारी हो गई है, मतलब इससे पता चल रहा है मतलब काफ़ी नीचे तक मतलब बर्फबारी हुई है अभी। हम और जितना नीचे जाएंगे अभी तो केदारनाथ जी का भी देखो ग्लेशियर दिख नहीं रहा, अभी तो यही दिख रहा है बस, ये पता चलेगा पीछे कितना ज़्यादा ग्लेशियर दिखेगा अभी, देख रहे हो